क्या रिस्पॉन्स मिला? अभी एक शो के ख़त्म होने के बाद मैंने एंटर किया तो सब ने कहा कि बहुत अच्छी पिक्चर है, वो फिर से देखना चाहेंगे अपने यू नो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा बिकॉज इट इज़ अ फन फैमिली एंटरटेनर. और हाँ, जासूसी फिल्म है पर उसके अलावा इसमें बहुत है. एंड जैसे मैं कहती आ रही हूँ कि इस फिल्म को बनाने का जो अनुभव रहा है हम सबके लिए एक बहुत ही खुशियों से भरा हुआ अनुभव रहा है. तो यही हम आपके साथ बांटना चाहते हैं और जश्न मनाना चाहते हैं. तो प्लीज़ बस आ जाइए थिएटर्स में, फिल्म देखिए, मज़ा उठाइए बस. ओके, पर्सनली आपको क्या बॉलीवुड से क्या रिस्पांस मिला है? कोई प्रेजेस आप लोग शेयर करना चाहेंगे मीडिया के साथ? आई डोंट वांट टू टेक नेम्स. कल कुछ स्क्रीनिंग्स हुए, लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं थैंकफुली. उनको फिल्म बहुत जैसे मैंने कहा एंटरटेनिंग लगी, कलरफुल लगी, सबके परफॉर्मेंसेज उनको अच्छे लगे. और कहा कि 2 hours 2 minutes की फिल्म है तो बहुत ही अच्छा पेस है. तो आई थिंक इट्स ऑल दैट वी सेट आउट टू डू. तो अच्छा लग रहा है, बहुत इनकरेजिंग रिस्पॉन्सेज मिले हैं इंडस्ट्री से. सिनेमा टिकट के दाम इतने बढ़ गए हैं, दर्शक जाते हैं सिनेमा देखने के लिए लेकिन वो टिकट के दाम देके वापस भी आते हैं. तो बजट जो आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, खासकर एंटरटेनमेंट? नहीं, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा लोगों के ज़्यादा लोग फिल्में देखें. तो इसके लिए जो प्राइस उनके लिए कम्फर्टेबल होगा, टिकट्स उन प्राइसेस में भी अवेलेबल होने चाहिए अच्छे थिएटर्स में. तो बजट से क्या उम्मीद कर रही है, मतलब आम तौर पर अगर देखा जाए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की? बहुत अलग अलग एरियाज़ के बारे में है पर ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होता है तो बहुत अच्छी बात होगी. बॉलीवुड में बहुत अलग ट्रेंड आप लेकर आ चुके हैं वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स का. अब जो भी मूवीज अभी है जो वुमेन सेंट्रिक होती है उससे आपकी फिल्म से कंपेयर किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को कितना लकी महसूस करते हैं? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला है. बॉबी जासूस उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है. और इस वजह से लोग जब वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की बात करते हैं तो मेरी फिल्मों की बात करते हैं क्योंकि ये फिल्में बहुत अच्छी रही हैं. आज ही कल की अवतार में देखे बैग लेके आई है, क्या था ये? ये बॉबी का लुक है. ये बॉबी का लुक है जो आप पोस्टर्स में देखते आ रहे हैं और मैं हर जगह प्रमोट करने के लिए इसी लुक में जाती रही हूँ. और अगर हम बात करें, आप नरेंद्र मोदी से मिलने वाली थी, नरेंद्र मोदी को नहीं नहीं दिखाएंगे? नहीं नहीं, गुजरात टूर जाने वाली थी आप? नहीं नहीं, पर वो दिल्ली में है ना. आप जाने वाली थी, आप जाने वाली थी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अफवाह है. थैंक यू. थैंक यू. कितना करोड़ का कमाई लेगी? मैं पैसों के बारे में नहीं सोचती, बस हम प्यार बांटना और बटोरना चाहते हैं फिल्म के थ्रू. और उम्मीद यही है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होगी और लोग बार बार इस फिल्म को देखने आएंगे और लोगों को लेकर आएंगे. और फिर जो हो नंबर्स एंड ऑल आई डोंट थिंक ऑफ, पर वेलकम बिग नंबर्स. थैंक यू. थैंक यू.